फिल्म शुरू होता है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक होटल में आए होते हैं। लड़के का नाम बाला होता है और लड़की का नाम निशा। इनके साथ में इनका एक फ्रेंड जॉय फर्नांडिस भी आया होता है। जॉय बाला के बचपन का फ्रेंड होता है। ये लोग अपने लिए एक टेबल मांग रहे होते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि कोई टेबल खाली नहीं है, तो ये लोग मैनेजर को बुलाने के लिए कहते हैं। मैनेजर वहाँ पे आने के बाद में इन्हें एक टेबल दे देता है। अब ये लोग वहाँ पे कुछ देर बहुत बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। कुछ देर बाद बाला कहता है कि उसे अब थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए, तो जॉय फर्नांडिस वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जॉय और बाला बियर पी रहे होते हैं। जॉय बाला से कहता है कि तेरे पास तो सब है, घर है, मेरे जैसा इतना अच्छा दोस्त है, इतनी अच्छी बीवी है, मेरे पास में क्या है। बाला उसे मजाक में कहता है कि तेरी किस्मत फूटी है। इसके बाद बाला उसे कहता है कि काश उसकी कंपनी उसे इंडिया में रहकर ही काम करने देती। दरअसल बाला सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है और उसे काम के सिलसिले में हमेशा इंडिया से बाहर रहना पड़ता है। अगले सीन में निशा को दिखाया जाता है। वो डॉक्टर को फोन कर रही होती है। वो अपने टेस्ट के रिपोर्ट्स के बारे में पूछ रही होती है। दरअसल निशा प्रेग्नेंट होती है। डॉक्टर उसे बताती है कि उसके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो दौड़कर बाला के पास पहुंचती है, मगर बाला वहाँ नहीं होता है। वो उसे हर जगह ढूंढती है मगर बाला नहीं मिलता है। वो बहुत परेशान हो जाती है। अब कहानी यहाँ से सीधा 3 महीने आगे बढ़ जाता है। बाला एक सेल में बंद होता है। वो एक बहुत छोटे से सेल में बंद होता है। तभी उसे कोई वहाँ खाना देने के लिए आया होता है। वो उसे नीचे से खाना दे देता है। उस आदमी की शक्ल को पूरी नहीं दिखाई जाती है, बस उसके पैर दिखते हैं और वो एक सफ़ेद कलर का चमकीला जूता पहना होता है। बाला उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे कैद करके क्यों रखा है, मुझे 3 महीने से तुम लोगों ने बंद करके रखा है, मेरा जुर्म क्या है, मैंने क्या किया है। वो आदमी को कहता है कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं अपना सॉफ्टवेयर भी दे दूंगा। वो आदमी बाला की एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। बाला बहुत परेशान हो जाता है उसे, क्योंकि सेल में रोज एक ही खाना दिया जाता है, फ्राइड वोटॉन्स। ये दरअसल मोमोज जैसा ही होता है, ये दरअसल मोमोज होता है, उसे रोज मोमोज ही खाने के लिए दिया जाता है। वो इस मोमोज से बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसकी नज़र जेल के दीवार पे एक रेड सर्कल पे पड़ती है। बुद्धिज्म में रेड सर्कल का कुछ ऐसा मतलब होता है कि जब दो लोगों की किस्मत में मिलना लिखा होता है तो वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को रेड सर्कल कहते हैं। बाला समझ जाता है कि जिसने उसे कैद किया है वो जल्दी उसे मिलने वाला है। अब बाला भी उसे मिलने का इंतजार करता है। बाला के सेल में एक टीवी होता है जिसमें न्यूज चल रहा होता है। इस न्यूज में दिखाया जाता है कि बाला की पत्नी यानी निशा का कत्ल हो जाता है और कत्ल का इल्ज़ाम बाला पर होता है। न्यूज़ में बाला को अपनी बीवी का हत्यारा बताया जाता है। ये सब देखकर बाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कांच के एक टुकड़े से वो अपनी कलाई काटने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके सेल में एक अजीब सा धुआं फैलने लगता है। ये दरअसल वेलियम गैस होता है। इस गैस का इस्तेमाल बड़े से बड़े कैदियों को काबू में करने के लिए किया जाता है। जब बाला को होश आता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरीके से ठीक है। उसके हाथों पे पट्टी कर दी जाती है, उसके कपड़े बदल दिए जाते हैं और कोई उसका कमरा भी साफ कर देता है। वो समझ जाता है कि उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो अब विलन से मिलने के लिए तैयार करता है खुद को। वो टीवी से देखकर फाइटिंग की ट्रेनिंग लेता है। वो फाइटिंग स्किल्स सीखता है। अब एक दिन एक लकड़ी के डब्बे को कोई बिल्डिंग के ऊपर छोड़ जाता है, उसमें से बाला बाहर आता है। अब वो पूरी तरीके से आज़ाद है। 14 साल बाद वो बाहर आया है। उसे बाहर की रोशनी में देखने को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बैंकॉक शहर अब 14 साल बाद बहुत ज़्यादा बदल गया है। तभी कुछ बदमाश लड़के 2 लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। बाला सोचता है कि मैं यहाँ इन लड़कियों को बचाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन जो फाइटिंग की ट्रेनिंग उसने सेल में रहकर ली होती है वो उन्हें टेस्ट करना चाहता है, इसीलिए वो उन लड़कों को बहुत मारता है। वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद बाला भी वहाँ से चला जाता है। अब बाला एक होटल में होता है। तभी उसके नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ये वही होता है जिसने बाला को इतने सालों से कैद करवा कर रखा था। बाला उसे पूछता है कि वो कौन है, उसने ऐसा क्यों किया, मगर वो बाला को कुछ नहीं बताता। वो बाला से कहता है कि मैं कौन हूँ ये जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब आगे हम देखते हैं कि बाला टैक्सी रोक रहा होता है। तभी एक लड़की जिसका नाम जेनी होता है वो टैक्सी चला रही होती है। वो एक इंडियन होती है। वो बाला को अपने टैक्सी में चलने के लिए कहती है। बाला जेनी के टैक्सी में बैठकर चला जाता है। जेनी कहती है कि उसके पापा एक टूरिस्ट ड्राइवर थे। जेनी की मॉम नहीं होती है और वो कुछ सालों के बाद उसके डैड की भी डेथ हो जाती है।
इसीलिए उसे मजबूरी में टैक्सी चलाना पड़ता है। अब बाला जेनी से पूछता है कि तुम दिन भर में कितना कमा लेती हो। जेनी कहती है कि कम से कम 3,000 और अगर दिन अच्छा हो तो 5,000 भी हो जाता है। तो बाला उसे 10,000 दे देता है और उसे कहता है कि मुझे पूरा बैंकॉक शहर घुमाओ। इसके बाद बाला पूछता है कि फ्राइड वोटॉन्स कहाँ मिलेगा, तो जेनी उसे चाइना टाउन ले जाती है। वो पूरे शहर में हर रेस्टोरेंट में जाकर बस फ्राइड वोटॉन्स ही खाता है। दरअसल वो उस टेस्ट को ढूंढ रहा होता है जो उसे उस सेल में मिलता था। अगर वो उस टेस्ट को पता लगा ले कि वो फ्राइड वोटॉन्स कहाँ से आते थे तो वो विलन तक भी पहुँच जाएगा। अब बाला एक रेस्टोरेंट पहुँचता है, उसे वही सेम टेस्ट मिलता है। उसे कुछ कुछ शक होने लगता है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी भी बाला को देख लेता है और अचानक वहाँ से भागने लगता है। तो बाला भी उसका पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है। बाला उस आदमी को जेनी की गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। बाला उस आदमी को पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलता। बाला उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है और वो अब सब सच बता देता है। अब बाला उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसका वो सेल होता है। बाला उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। वो आदमी कहता है कि ये उसका धंधा है, नथिंग पर्सनल। वो असली विलन का नाम नहीं बताता। बाला उस आदमी को बहुत मारता है और उसके दांत तोड़ देता है। और तभी उस आदमी के साथी वहाँ आ जाते हैं। बाला उन सभी से लड़ता है और वहाँ से चला जाता है। और लड़ाई में वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, उसका काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। वो सीधा वहाँ जाता है जहाँ जेनी रहती है। जेनी उसे देखकर घबरा जाती है। जेनी बाला को जाने के लिए कहती है, मगर बाला तभी वहाँ बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जेनी को बाला की एक किताब मिलती है। अब वो बाला के बारे में सब जान जाती है। बाला जेनी को एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें बाला को ज़िंदा रखने के लिए कहा जाता है। विलन कहता है कि वो बाला को अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रखता, यही उसका कसूर है। ये दोनों उस टेप को सुन रहे होते हैं कि तभी बाला को एक कॉल आता है। ये उस विलन का होता है। विलन बाला को अपने पास आने के लिए एक क्लू देता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो 2C रन सेट आ जाओ। बाला जेनी को पूछता है कि ये जगह कहाँ है। जेनी बताती है कि वो एक पुरानी जगह है और वहाँ बोट से जाना पड़ता है। बाला फौरन उस जगह पर जाता है। उसे वहाँ एक घर दिखाई देता है। वो उस घर में जाता है और उसे वहाँ अपनी और अपनी बीवी की एक फ़ोटो दिखती है। तभी बाला पर कोई पीछे से रॉड से हमला कर देता है। इससे पहले कि रॉड उसे लगता, वो अपने आप को बचा लेता है और वो उसी रॉड से हमलावर पर हमला करने जाता है। तभी वो देखता है कि ये तो जॉय फर्नांडिस होता है। ये जॉय बचपन का दोस्त होता है बाला का। ये दोनों एक दूसरे को देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब बाला जॉय को अपनी वो टेप सुनाता है जो उसने जेनी को भी सुनाया था। बाला कहता है कि मुझे वो आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए। तभी जॉय के फ़ोन पर एक कॉल आता है। ये विलन का होता है। को जॉय का फ़ोन आता है। वो बोलता है कि उसने उस नंबर को ट्रेस कर लिया जिस नंबर से उन दोनों को फ़ोन आ रहे होते हैं। वो जो कॉल आ रहा होता है वो जेनी के सामने वाले घर से आ रहा होता है। बाला ये सुनकर उस सामने वाले घर की तरफ बढ़ने लगता है। वो देखता है कि उस घर पर वही रेड सर्कल का निशान बनाया होता है। वो तुरंत उस घर के अंदर पहुँचता है। अब पहली बार इस घर में पहुंचने के बाद में बाला की मुलाकात अपने उस विलन से होती है जिसके वजह से वो 14 साल उस सेल में बंद होता है। बाला उससे मिलकर बहुत ज़्यादा नाराज होता है। वो उसे मारना चाहता है पर विलन उसे कहता है कि तुम मुझे तब तक नहीं मार सकते हो जब तक तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कि मैंने तुम्हें सेल में इतने सालों तक बंद क्यों रखा था। विलन उसे कहता है कि ये सब वो इसीलिए कर रहा है ताकि वो बदला ले सके। बाला को कुछ नहीं समझ में आता है। वो पूछता है कि कैसा बदला, मैंने क्या किया है। बाला उसे कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। विलन उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की कहानी में कैसे आए ये तुम्हें पता चल जाएगा। विलन कहता है कि तुम बहुत लापरवाह हो, तुम अपनी बीवी को भी नहीं बचा पाए और अब तुमने जेनी को भी घर पर अकेला छोड़ दिया है। बाला समझ जाता है कि जेनी की जान खतरे में है। वो भागता हुआ जेनी के घर पहुँचता है। यहाँ दिखाया जाता है कि जेनी कुछ लोगों के बाला को कहता है घुटने पर जाने के लिए। वो कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो नहीं तो मैं जेनी को मार दूंगा। बाला बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तभी विलन का एक कॉल आ जाता है उस आदमी को। वो उस आदमी को बाला को छोड़ने के लिए कहता है मगर वो उसकी बात नहीं मानता। तभी एक पैसों से भरा बैग विलन उसे भेजता है और पैसा मिलते ही वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। बाला उसे कहता है कि अब तुम जेनी से दूर रहो और ये सब चीज़ें ख़त्म करो। बाला उसे कहता है कि तुमने जो हाथ जेनी पर डाला है मैं उसे काट डालूँगा।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेनी और बाला एक टैक्सी में बैठकर शहर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि जेनी इस शहर में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, उसे ये शहर में बहुत खतरा है। बाला उसे कहता है कि तुम मुझे कमज़ोर कर रही हो। अब बाला और जेनी शहर से दूर चले जाते हैं। जेनी और बाला ड्रिंक कर रहे हैं। बाला जेनी को पूछता है कि क्या तुम मेरे यहाँ पर रहने से कंफर्टेबल हो, अगर नहीं हो तो मैं किसी दूसरे कमरे में चले जाऊँगा। जेनी उसे कहती है कि मैं पूरी तरीके से कंफर्टेबल हूँ। दरअसल जेनी उससे इंप्रेस्ड हो जाती है क्योंकि बाला ने जेनी की जान बचाई होती है। जेनी उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई प्यारी चीज़ हूँ। बाला खामोश होता है। बाला उससे कहता है कि आज तक मैंने जिस चीज़ से भी प्यार किया ऊपर वाले ने उसे मुझसे अलग कर दिया है, और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। अब जेनी बाला के पास जाती है, वो बाला को किस करती है और ये दोनों उस रात इंटीमेट भी हो जाते हैं। तभी खिड़की से एक धुआं आते हुए दिखाई देता है। ये कोई और गैस नहीं बल्कि वेलियम गैस होता है, जिससे बाला को बेहोश किया जाता था सेल में। अब ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। इनके बेहोश होने के बाद में विलन यहाँ आता है। उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स होता है, वो उस बॉक्स को वहाँ पर रख देता है और उनके बेड पर चला जाता है। वो बाला की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी पूरी ताकत मुझ तक पहुँचने में लगानी चाहिए, ना कि ये सब छोटे चीज़ों में अपनी एनर्जी बर्बाद करनी चाहिए। अब अगले दिन इन दोनों को होश आता है। जेनी कहती है कि उसका सर फट रहा है। बाला समझ जाता है कि विलन यहाँ आया था और वो दोनों वेलियम गैस की वजह से बेहोश हो गए थे, और अब इनकी नज़र उस गिफ्ट पर पड़ती है जो विलन अपने साथ में लाया था। बाला उस बॉक्स को खोलता है। इस बॉक्स में कटा हुआ हाथ होता है, जो कि उस आदमी का होता है जिसने जेनी को हाथ लगाया था। बाला ने उसे कहा था कि वो उसका हाथ काट देगा, इसीलिए विलन बाला का काम कर देता है। विलन बाला का काम इसलिए करता है ताकि बाला का पूरा ध्यान सिर्फ विलन तक पहुंचने के लिए लगाए और वो अपनी एनर्जी यहाँ वहाँ वेस्ट ना करे। जेनी बाला को कहती है कि विलन को इतना सब कुछ कैसे पता, उसका घर, उसका एड्रेस। बाला कहता है कि उसे पता नहीं। ये कहकर वो जेनी को लेकर एक वर्कशॉप चला जाता है। वहाँ वो शॉप में जाकर एक पेपर पर लिखता है कि आई हैव बीन बग्ड, प्लीज़ चेक। तलाशी करने पर वो बग उसे मिल जाता है। उसे एक लेटर भी मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है लेबर ओमनिया विंसिट, जिसका मतलब होता है हार्ड वर्क कॉन्कर्स ऑल। ये बाला जेनी को कहता है। बाला कहता है कि ये लैटिन में इसका मतलब होता है हार्ड वर्क कॉन्कर्स ऑल। बाला समझ जाता है कि विलन का ताल्लुकात उसके स्कूल से है। वो जेनी के साथ एक साइबर कैफे जाता है। सर्च करने पर इन्हें एक वीडियो मिलता है जिसमें विलन का स्कूल में एक स्पीच मिल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉय फर्नांडिस को बाला का कॉल आता है। बाला उसे पूछता है कि क्या वो किसी रोहित चोपड़ा को जानता है। जॉय बाला को बोलता है कि रोहित चोपड़ा हमारे स्कूल में ही था। वो 8 साल का जूनियर था और उसकी एक बहन भी थी, रीमा चोपड़ा, जो बाला के क्लास में ही थी। जॉय बाला से कहता है कि सबसे ज़्यादा उसके बारे में तुम्हें ही पता होना चाहिए, मगर बाला को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं आता है। जॉय बाला को याद दिलाता है कि स्कूल का आखिरी दिन था। बाला, जॉय फर्नांडिस और उसके कुछ फ्रेंड्स के बीच में एक शर्त लगती है रीमा को इम्प्रेस करने का। बाला रीमा के पास जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर रीमा को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। रीमा कहती है कि यहाँ लड़कों का आना मना है, तुम यहाँ पर कैसे आए। बाला कहता है कि मुझे तुमसे प्राइवेट बात करनी है। बाला उसे एक गिफ्ट बॉक्स देता है और रीमा को फोर्स करता है, वो उस गिफ्ट बॉक्स को ले लेती है। बाला उसे कहता है कि रीमा उस बॉक्स को यहीं पर मेरे सामने खोल कर देखो। रीमा उस बॉक्स को चेक करती है तो उसे उस बॉक्स में एक अंडरवियर मिलता है। रीमा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बाला को एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगर वो वहाँ से नहीं गया तो वो शोर मचाएगी। बाला स्कूल के बच्चों के बीच में जाकर अब झूठ बोल देता है कि उसने रीमा के साथ सेक्स किया है। स्कूल में रीमा को अब बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं। उसका जीना सब लोग अब मुश्किल कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉय बाला को स्कूल की वो सारी बातें बता रहा होता है। तभी रोहित चोपड़ा जॉय के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो जॉय को चाकू मार देता है और वो जॉय पर कई बार चाकू से हमला करता है, जिससे जॉय की मृत्यु हो जाती है। अब आगे बाला और रोहित एक दूसरे के सामने होते हैं। दरअसल यहाँ रोहित बाला को अपनी कहानी का क्लाइमैक्स बताने वाला होता है। आज बाला को अपने सवालों का जवाब मिलने वाला होता है कि इतने सालों तक उसे क्यों बंद करके रखा था। रोहित बाला से कहता है कि कहानी सिर्फ वहाँ तक नहीं जहाँ तक तुम सोच रहे हो। रोहित उसे बताता है कि कैसे उसने अपनी बहन को अपने आँखों के सामने जलते हुए देखा था। रीमा ने सुसाइड कर ली थी और रोहित कुछ नहीं कर पाया।
रोहित कहता है कि उसने बाला की बीवी को मार दिया था और इल्ज़ाम बाला पर लगा दिया था, और रोहित ने बाला की बेटी को बचा लिया था और उसकी परवरिश करी 14 सालों तक, जब बाला 14 साल सेल में बंद था, ताकि जब बाला की बेटी 14 साल की हो तो रोहित उसी तरीके से बाला से उसकी बेटी का इस्तेमाल करके बदला ले सके। अगले पल रोहित टीवी चालू कर बाला को एक लड़की दिखाता है जिस पर बहुत सारे लोग बोली लगा रहे होते हैं। दरअसल ये सारे दरिंदे उस मासूम बच्ची की वर्जिनिटी तोड़ना चाहते हैं। रोहित बाला से कहता है कि तुम्हें इस लड़की की रक्षा करनी होगी। बाला मना कर देता है, और जब उसे पता चलता है कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि बाला की ही बेटी होती है, ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और घबरा जाता है। वो रोहित से उसे छोड़ने के लिए कहता है कि उस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं, तुम उसे क्यों सज़ा दे रहे हो। मगर रोहित उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता है। वो कहता है कि मेरी बहन को भी मैं बचा नहीं सकता था क्योंकि मेरे हाथ छोटे थे, मगर तुम अपनी बेटी की रक्षा कर सकते हो। ये दोनों में लड़ाई हो जाती है, मगर रोहित बाला को वो एड्रेस नहीं बताता जहाँ बाला की बेटी होती है। लड़ते लड़ते रोहित बिल्डिंग से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रोहित ही वो आखिरी सबूत था जो उसे अपनी बेटी तक पहुँचा सकता था, मगर अब वो भी नहीं रहा। जेनी जब टीवी में उस वीडियो को देखती है तो वो कहती है कि वो उस जगह को जानती है। बाला फौरन उस जगह पर जाता है। उसे वहाँ कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं। वो उन सब से लड़ता है और उन सबको मार देता है। तभी बाला को एक कॉल आता है। उसे फ़ोन पर कोई पापा बोलती है, ये उसकी बेटी होती है। दरअसल रोहित उसकी बेटी को बचा लेता है और यही उसका आखिरी वार होता है। अब बाला अपनी बेटी से मिलने के लिए तुरंत भागता है और वो अपने घर पुराने वाले घर पे जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसकी बेटी बैठी हुई है। वो उसके पास जाता है और उसको मिल लेता है और उसको अपने गले लगाकर खूब रोता है। और फिल्म यही ख़त्म हो जाती है।